मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार बेल्ट्रोन अस्टेनोग्राफर से जुड़े हुए क्वेश्चन, जिस जो कि इस वीडियो को मैं बताने के लिए हम आपको पिछले प्रीवियस क्वेश्चन को आपके पास ला रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। पहले इससे पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड किया गया जो नए नए क्वेश्चन था, लेकिन अब तो एकदम प्रीवियस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत चीज़ समझेंगे आप इस चीज़ को। फुल्ली तरीके से हम पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक वीडियो और बनाया गया हो, उसमें भी 30 क्वेश्चन है, तो आप उस वीडियो को भी जाके देखिए, उसमें 30 क्वेश्चन बताया गया है। और वो जो वीडियो है वो इसका पहला पार्ट है, और ये पार्ट टू है, इसमें भी 30 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन है दोनों वीडियो मिलाकर। आपको वो पिछला वीडियो जो एक नंबर वीडियो है, हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम अब 31 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे कि हम यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन ओपन कर लिए हैं, और 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर से साफ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ यह है कि फोर्थ आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन में से अगर मान लिया जाए कोई ऐसा एक ऑप्शन बताइए जो कि ऑड हो, यानी कि आप इस ऑप्शन में तीन ऑप्शन को मैच कराइए और बाकी एक ऑप्शन को आप अलग कीजिए। तो इसमें जो तीन ऑप्शन हम लोग यहाँ पर से देख पा रहे हैं, और एक अलग जो ऑप्शन है वो यह है कि 3D प्रिंटर। जैसे 3D मूवी होता है, 3D कोई एनिमेशन होता है, 3D इमेज होता है, आप 3D फोटो देखे होंगे, 3D एनिमेशन वीडियो देखे होंगे, 3D फिल्म भी देखे होंगे, लेकिन 3D प्रिंटर कोई भी नहीं होता है। 3D प्रिंटर नहीं होता, 3D इमेज या फिर उसे जो प्रिंट होता है वो 3D होता है, लेकिन जो डिवाइस होता है ना, प्रिंटर जो डिवाइस होता है वो नहीं होता है। डॉट मैट्रिक्स होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, 3D प्रिंटर नाम का कोई भी डिवाइस नहीं आता है। उसके बाद फिर 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेस करेंगे अल्ट प्लस ए, अगर अल्ट प्लस ए एमएस एक्सेल में प्रेस करेंगे तो क्या होगा। तो एमएस एक्सेल में जो अगर हम लोग अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो उससे डाटा ओपन होगा, डाटा टैब, यानी जैसे होम होता है, इंसर्ट होता है, मेलिंग होता है, रिव्यू रहता है, तो उसी तरह से अल्ट के साथ अगर हमको ए प्रेस करेंगे तो क्या ओपन होगा, तो डाटा ओपन हो जाएगा। और अल्ट के साथ एन प्रेस करेंगे तो इंसर्ट ओपन होगा, अल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे तो होम ओपन होगा। तो ये शॉर्टकट के दिया हुआ है, शॉर्टकट क्योंकि आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 33 नंबर क्वेश्चन है, तो 33 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि एन कैन नॉट बी द मेल मर्ज डाटा सोर्स। तो एक्सेप्टेबल जो फाइल होता है वो डाटा, यानी कि मेल मर्ज में उसे हम लोग शामिल नहीं कर सकते। एमएस वर्ड को फाइल को शामिल किया जा सकता है, टेक्स्ट फाइल हो सकता है, एक्सेल का वर्कशीट जो होता है उसे शामिल कर सकते हैं, बट ए नंबर जो ऑप्शन वाला जो फाइल है उसे हम लोग मेल मर्ज में शामिल नहीं कर सकते। उसे मेल मर्ज के थ्रू शामिल करके हम प्रिंट नहीं कर सकते, किसी के पास भेज नहीं सकते। तो ये 33 का आंसर जो ए है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 34 है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में परिवर्तन स्लाइड के में, यानी परिवर्तन स्लाइड में, परिवर्तन स्लाइड लेआउट आरंभ करने के लिए हमको मानक रूप से इसमें से किसका इस्तेमाल करना होता है। तो व्यू पे जाएंगे, उसके बाद स्लाइड सॉर्टर, सॉरी स्लाइड मास्टर नाम का एक ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करके उसमें देखिएगा बहुत सारे प्रकार के लेआउट रहेगा, इससे आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप एक स्लाइड लिए, वो अगर उसका लेआउट, उसका जो फॉर्मेटिंग है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप वहाँ पर से व्यू पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर पर जाके उसमें लेआउट आप उसका चेंज कर सकते हैं, उसका थीम्स बदल सकते हैं, और उसमें आप अपना काम जो भी करना चाहेंगे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन रहता है वो व्यू में रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड इंटरनेट कनेक्शन। तो इंटरनेट कनेक्शन का कौन सा इसमें जो नाम है वो इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है। DSL जो है ये इंटरनेट कनेक्शन है, वाईफाई है, डायलअप है, ये सब जितने भी कनेक्शन है इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट चला दूसरे को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे वाईफाई जो होता है वो दूसरे को नेट प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डायलअप एक मॉडम की तरह होता है जो कि इंटरनेट से मतलब दूसरे को प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। DSL का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो फास्ट नेट है उसका इस्तेमाल जो होता है वो इंटरनेट चलाने के लिए होता है, इंटरनेट दूसरे को प्रोवाइड करने के लिए नहीं होता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 36 कि फोर ऑप्शन आर गिवेन आउट ऑफ विच 3 लाइक, यानी कि तीन ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए जो एक तरह हो, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जो ऑड हो, यानी कि अलग हो, तीनों से अलग हो ऑप्शन। तो ये जो मॉनिटर है ये अलग है, ये इसलिए अलग है क्योंकि जॉयस्टिक है और लाइट पिन और माउस जो ये तीनों जो है वो इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर में हम कोई भी चीज़ को विजुअली देखते हैं या फिर उसमें जो भी चीज़ होता है पिक्चर या टेक्स्ट को देख सकते हैं। जॉयस्टिक का काम होता है गेम खेलने के लिए, यानी कि वो इनपुट डिवाइस है, और लाइट पेन भी
होता है इनपुट डिवाइस, और माउस भी क्या होता है इनपुट डिवाइस होता है। यानी कि तीन ऐसे ऑप्शन इसमें दिए हुए जो इनपुट है, और लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो मॉनिटर जो देख रहे हैं ये आउटपुट डिवाइस है, तो इसलिए जो मॉनिटर हो गया वो ऑड में आ जाएगा और तीन बाकी सारे चीज़ एक जैसा मैच कर गया। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है कि एमएस एक्सेल में एक सेल के लिए मुद्रा में, अगर मुद्रा में उसमें जीरो सेल, अगर जीरो स्टाइल का प्रयोग करने के लिए 12 टाइम अगर उस पर हम लोग मतलब क्लिक करेंगे, तो ये इसके बाद क्या होगा कि उसके बाद 12 के बाद जो डिफ़ॉल्ट मतलब जो उसके बाद फिर क्या है कि जो करेंसी का सिंबल है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा उसके बाद सेट हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे अगर आप लिखते हैं 5 रुपया, तो 5 के आगे में हम लोग क्या करते हैं कि रुपये इसके सिंबल देते हैं, तो उसी तरह के उसमें आपको करेंसी का सिंबल ऐड करने के लिए एमएस एक्सेल में हमें उस पर क्लिक होता है। यानी 37 नंबर क्वेश्चन का 2 आंसर होगा। उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर है 38 है कि एमएस एक्सेल में एक सेल में जिसमें कि इस टाइप से कुछ मतलब दो अलग अलग नंबर लिखे गए हैं और उसमें उसका फाइनली आंसर क्या आएगा, तो उसका आंसर ए आएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन, ये थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसे कैलकुलेट करना होता है, इसे मतलब याद रखिएगा कि इस चीज़ को। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्पेल चेक, स्पेल चेक क्या होता है कि जो ग्रामर या फिर स्पेलिंग को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेल चेक कैन भी मतलब उसका स्पेल चेक का अगर हम ऑप्शन से ना इस्तेमाल करें, बाय डिफॉल्ट अगर हम शॉर्टकट की से इस्तेमाल करें, तो कौन सा शॉर्टकट की होगा स्पेल चेक करना, तो स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की जो होता है वो F7 होता है। और ऐसे अगर मेन्यू से आपको बताएं तो मेन्यू में जो रहता है, आप मेन्यू को जानते होंगे, रिव्यू मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो उसमें प्रूफिंग टूल्स रहता है, प्रूफिंग टूल्स पे क्लिक करके आप स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 40 है कि अ मर्ज डॉक्यूमेंट कैन बी प्रिंटेड बाय यूजिंग Alt+Shift+M, यानी कि अगर मेल मर्ज के द्वारा डॉक्यूमेंट को किया गया है तो आप उसे प्रिंट करने के लिए Alt+Shift+M का इस्तेमाल करके, जो मेल मर्ज होता है जिसे हम बहुत सारे डाटा को इकट्ठा करके उसे एक साथ प्रिंट किया जाता है, तो उसका शॉर्टकट की होता है Alt+Shift+M होता है। और अगर N रहता, M के जगह N रहता, तो उसे हम लोग क्रिएट कर सकते थे, और M है तो उसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 41 है कि HDD यानी कि हार्ड डिस्क, यानी कि HDD का पूरा नाम क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, एक किस प्रकार का डिवाइस है। तो HDD जो है एक मेमोरी है, यानी हार्ड डिस्क जो होता है डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हार्ड डिस्क क्या होता है, मेमोरी होता है। हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है, जिसमें कि हम परमानेंट अपने डाटा को या फिर इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक हम उसे स्टोर करके रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 42 की विंडो XP की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो विंडो XP का शुरुआत जो है 2001 में किया गया था, और इसे बंद किया गया 2014 में। उसके बाद फिर क्वेश्चन, हाँ आपको एक इस पर और बता देते हैं कि अगर XP की शुरुआत तो 2014 में हुआ, सॉरी बंद 2014 में हुआ, लेकिन अगर विंडो 7 की अगर बात रहे कि बंद करने का, तो ये 2020 में 14 जनवरी को 2020 में विंडो 7 बंद किया गया, और विंडो चालू हुआ था 2009 में, XP के बाद ये सारा जब वर्जन आया था। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 43 है कि MS Excel में यदि हम किसी संकरणीय कॉलम में टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो टेक्स्ट को संयोजित करने के लिए कॉलम की अपने क्या होगा। तो मतलब आप इतना जान लीजिए कि इसके एक सिंपल लाइनिंग बोल रहा है, आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, और यहाँ पर से सिंपल एक लाइन बोलना चाह रहा है कि अगर एक ही कॉलम में एक से ज़्यादा रो क्रिएट करना हो तो उसके लिए हमको क्या इस्तेमाल करना होगा। तो उसके लिए रैप टेक्स्ट ऑप्शन होता है, यानी कि टेक्स्ट रैप कहिए, या फिर एक ही सेल के अंदर एक से ज़्यादा लाइन क्रिएट करने के लिए हमको रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करना होता है। और रैप टेक्स्ट का शॉर्टकट की होता है Alt+Enter, Alt+Enter से रैप टेक्स्ट होता है। यानी कि अगर हम एक ही सेल में टोटल लिखे, उसके जस्ट नीचे अमाउंट लिखना है, तो हमको रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करके हम ये काम बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि हाउ कैन बी सेल ऑर्डर माई बी सेट आ MS Excel 2016, यानी कि अगर आपको MS Excel में सेल जो होता है, जो रो और कॉलम से मिलकर सेल बनता है, उसमें बॉर्डर सेट करना है, तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना होगा। तो बॉर्डर सेट करने के लिए आपको फॉर्मेट, फिर उसमें फॉर्मेट वन ऑप्शन सेल रहता है, उसमें बॉर्डर ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करके आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है कि इन MS Excel 2016 अंडर रिव्यू टैब यू कैन बी प्रोटेक्टेड अ वर्कशीट कैन सॉरी एंड गेट मैन मैनी अदर
ऑप्शन सम बी ऑप्शन, यानी कि इसमें जो मतलब जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं इसमें से बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है ये रिव्यू का नहीं है। रिव्यू जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर से, रिव्यू ऑप्शन में कौन सा ही ऑप्शन नहीं है, तो मैक्रोस जो ऑप्शन है ये जो होता है रिव्यू में नहीं होता है। शेयर वर्कबुक होता है, स्पेलिंग से चेक होता है, स्मार्ट लुकअप होता है, लेकिन ये जो मैक्रोस देख रहे हैं ये व्यू वाला ऑप्शन जो होता है रिव्यू के जस्ट बगल में जो व्यू वाला ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करने से उसमें मैक्रोस वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो मैक्रोस आपको क्रिएट करना हो, उसे एडिट करना हो, तो उसके लिए आपको पहले व्यू पे क्लिक कीजिए, उसके बाद मैक्रोस पे क्लिक कीजिए, आप उससे बना सकते हैं। और अगर आपको वर्कशीट को किसी दूसरे के पास शेयर करना तो उसके लिए आपको रिव्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 46 है कि देर आर थ्री कॉलम इनवैलिड इन मेल मर्ज, आप इनमें से कौन सा, जैसे तो क्या होता है कि अगर आप मेल मेन डॉक्यूमेंट होता है मतलब मेल मर्ज में, तो मेन डॉक्यूमेंट में हम लोग कौन से तीन ऐसे काम कर सकते हैं, तो डाटा सोर्स बना सकते हैं, मेन डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, मर्ज डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, दो फाइल को मिला सकते हैं, और जो भी फाइलें होती हैं उसको एक किसी दूसरे जगह तो उसको डाटा सोर्स से हम अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। तो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 46 है उसका आंसर डी होगा। उसके बाद फिर है 47 नंबर क्वेश्चन है कि असेंबलर, असेंबलर क्या होता है, वो ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज से कोडिंग लैंग्वेज यानी कि मशीन भाषा। जैसा कि आपको एक बार इसे पहले वाला वीडियो में हम बताए हैं कि जब हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो मान ले ए लिखते हैं तो एक्चुअल में ए नहीं रहता है, बस वो एक नंबर फॉर्मेट में जाता है और उसे क्या करता है सीपीयू यानी कि प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस करके हमारे पास आउटपुट में वही फिर से ए दिखाता है। तो इसके लिए ही असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है। असेंबलर जस्ट लाइक एक कन्वर्टर होता है। सपोज कीजिए कि आप एक मतलब कोई अगला आदमी है, प्योर बंगाली बोल रहा है और प्योर हम हिंदी बोल रहे हैं, तो वो दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबलर बोलते हैं। तो वो क्या करता है कि मशीन लेवल भाषा को वो हाई लेवल से हम लोग की भाषा में वो कन्वर्ट कर देता है, तो उसके लिए हम लोग असेंबलर का इस्तेमाल करेंगे। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को डैश डैश के द्वारा हटाया जा सकता है कंट्रोल प्लस एक्स से। जी हाँ, कंट्रोल प्लस एक्स से इसलिए हट जाता है क्योंकि कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है, और किसी भी स्लाइड पे अगर हमको उसे हटाना चाहते हो तो यानी कि कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस कर रहे हैं तो वहाँ से कट हो जाएगा, और जब किसी दूसरे पे जगह पे उसे हम कंट्रोल प्लस जाके भी प्रेस करेंगे तो वही सेल क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। यानी जो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आप एक एक नंबर जो देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जब आप पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस आप एक्सप्रेस कर दीजिए, वहां से कट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 49 है कि अल्ट प्लस ओ प्लस सी प्लस डब्ल्यू, इसको प्रेस करने से क्या होगा, तो आप किसी भी कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि ऑटो एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अल्ट प्लस ओ प्रेस करिएगा तो फॉर्मेट ओपन ओपन होगा, और सी से कॉलम का आएगा और डब्ल्यू से उसका विड्थ का ऑप्शन आता है। तो यानी कि आप किसी भी कॉलम को यानी कि उसका ऑटो फिट करना चाहते हैं, मतलब एडजस्ट करना चाहते हैं, कॉलम का चौड़ाई को एडजस्ट करना चाहते हैं, विड्थ का उसके जो चौड़ाई होता है उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो अल्ट सी अल्ट ओ सी डब्ल्यू का भी आप इस्तेमाल करके ये ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो होता है वो होम वाला ऑप्शन में ही रहता है। उसके बाद फिर 50 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड स्क्रीन पर स्टेटस बार कहाँ होता है, तो स्टेटस बार जो होता है स्क्रीन के सबसे नीचे में होता है। टॉप बार में तो होता है टाइटल बार होता है, राइट में स्क्रॉल बार होता है, लेफ्ट में भी स्क्रॉल रहता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 51 है कि द ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर अमंग द फॉलोइंग, जो नेट स्केप नाम का जो ब्राउजर है ये सबसे पहला ब्राउजर है जो 1990 में टीम बर्नर्ली ने बनाया था, 1990 में इसे बनाया गया था और टीम बर्नर्ली ही ने www को बनाए थे। ये सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट चलाने के लिए किया गया था 1990 में, ये सबसे पहला वेब ब्राउजर बनाया गया था। उसके बाद फिर है 52 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज अ शेयरवेयर, ये जो शेयरवेयर है एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि आप मतलब कोई भी काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक तरह का एक सॉफ्टवेयर का नाम है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 53 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेजमेंट का काम नहीं करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा प्रोसेस कर सकता है, मेमोरी में डाटा को सेव कर सकता है, फाइल को जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पर रखेगा, यानी कि जिस जगह नहीं रहना वहाँ पर नहीं रखेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट करने का काम नहीं करता है कि किस सॉफ्टवेयर को रखना है कौन सा नहीं रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे सारा सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट
होगा अगर उस सिस्टम के अनुसार से, उस सॉफ्टवेयर के अनुसार, या फिर कहिए कि उसमें जो हार्डवेयर लगे हुए रहता है, रैम लगा हुआ रहता है, प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, उसके अनुसार से है। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 54 है कि एमएस एक्सेल सीट में मान ले कि हमारे यहाँ दर्शाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको बता रहा है, यानी कि जो कॉल आउट ऑप्शन जो आप यहाँ पर से देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल साफ रूप से यानी कि जो भी होता है प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि शो कराने के टेक्स्ट को किसी मतलब एक कार्टून के तौर पे दिखाने के लिए, उसको प्रयुक्त ऑटो आकार में बनाने के लिए हम लोग मतलब कॉल आउट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 55 है, फॉर अ हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर, यानी कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में मेमोरी टू मेमोरी डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि इनपुट से आउटपुट में डाटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग DMA कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोग क्या होता है कि डाटा को एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 56 है कि MS Excel 2016 में डैश डैश मेन्यू के बाद डैश डैश विकल्प, यानी कि उसके ऑप्शन पे किसी वर्कबुक के मतलब सुरक्षित आरंभ किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि इसमें यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर रिव्यू आएगा कि एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के बाद प्रोटेक्ट सीट, सॉरी यहाँ पर से प्रोटेक्ट सीट के ऑप्शन पे क्लिक करके हम किसी भी वर्कशीट को या वर्कबुक को उसे हम लोग प्रोटेक्ट करने का शुरुआत कर सकते हैं, उसे सुरक्षित करने का स्टार्ट वहाँ से किया जा सकता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 57 कि एक्सेल में यह मान ले कि आपके पास कुछ डाटा है और इस डाटा को अगर मान लिया D3 से लेकर A1 तक सेलेक्ट करें तो इसकी लाइनिंग कैसी होगी, तो इसकी लाइनिंग जो है वो डायगोनल लाइन की तरह होगा, स्लाइड लाइन की तरह होगा, तिरछा लाइन वो दिखाएगा, ये तिरछा लाइन वो शो करेगा, यानी कि मतलब बॉटम से लेकर अप डाउन तक यहाँ पर से डायगोनली लाइन को खींचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फिर है 58 नंबर क्वेश्चन कि अल्ट प्लस ओ से क्या होता है, बता देते हैं कि फॉर्मेट होता है और आर से रो होता है और ई से हाइट होता है, यानी कि आप किसी भी रो का ऑटो उसका हाइट को एडजस्ट करने के लिए अल्ट ओ आर ई को प्रेस करते हैं, और ये जो होता है एमएस एक्सेल में होम मेन्यू में ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। यानी कि 58 का जो आप ऑप्शन डी चार नंबर देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। उसके बाद फिर 59 है कि चेक द सी प्रोग्राम, तो सी प्रोग्राम के लिए जो आपके पास कोडिंग दिया हुआ, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, इसका आंसर जीरो होगा। और सी जो प्रोग्राम है वो क्या है, सी प्रोग्राम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, और जो कंप्यूटर होता है जीरो और वन की भाषा समझता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो जीरो दिखा रहा है। उसके बाद फिर है 60 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वॉइसिंग नाम मतलब नॉन वॉइसिंग टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो एमएस सॉरी लेटेक्स्ट नाम का जो सॉफ्टवेयर है ये वॉइसिंग टाइप का सॉफ्टवेयर है, पेज मेल होता है, एमएस वर्ड होता है, फ्रोटेज होता है, लेकिन टेक्स्ट सॉरी लेटेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है ये इस तरह से इसमें जो नाम है उसमें से जुड़ा हुआ सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अगर ये आपको वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिलते रहे और भी बहुत सारे कुछ सीखने को मिलते रहेगा। और जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी चीज़ आपको पढ़ाया गया, अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको 60 क्वेश्चन का आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमें 60 क्वेश्चन का वीडियो चाहिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।